स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे पतंजलि योगपीठ। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है पतंजलि योगपीठ। पतंजलि योगपीठ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, फेज़ वन एंड फेज़ टू। जो फेज़ वन है, फेज़ वन के अंदर है मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, और जो फेज़ टू है वहाँ पर है योग का ऑडिटोरियम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको घुमाने वाले हैं फेज़ वन और फेज़ टू। और आप सामने देख रहे हैं, वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, वो है पतंजलि का हॉस्पिटल। ये सारा का सारा हॉस्पिटल आयुर्वेद बेस्ड है। यहाँ पे जितने पेशेंट आते हैं उन सभी के सभी पेशेंट का आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाता है। और ये है पतंजलि का मेगा स्टोर, जितने भी पतंजलि के प्रोडक्ट हैं यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। मेडिसिन हैं और जो जितने प्रोडक्ट हैं उनका मेगा स्टोर है। और हॉस्पिटल के लगता ही यहाँ पे है अन्नपूर्णा नाम से, आप इसको कैंटीन बोल सकते हो। सारी की सारी कैंटीन के अंदर बिल्कुल देसी घी से सारे के सारे चीज़ें बनाई जाती हैं। जलेबी है और कुछ खाने की चीज़ें हैं। जो भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं अपना इलाज करवाने के साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध भोजन खा सकते हैं। आप देख सकते हो सफाई का ध्यान काफ़ी रखा जाता है यहाँ पे। और अन्नपूर्णा के बिल्कुल बैक साइड में जो बिल्डिंग है वो है योग एवं सत्कर्म भवन। यहाँ पे पंचकर्म की जो प्रक्रिया है वो है। पंचकर्म एक ऐसी पद्धति होती है जिससे हम पूरी बॉडी को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी पद्धति है और जो स्वस्थ आदमी हैं वो भी इसको करवा सकते हैं। ये आप देख सकते हो पंचकर्म विभाग एवं अनुसंधान केंद्र। और जो पंचकर्म जो भवन है इसके बिल्कुल बैक साइड में है योगशाला। यहाँ पे जो पेशेंट हैं उनके साथ जो लोग आते हैं वो यहाँ पे योग वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है योगशाला, राउंड शेप में बिल्डिंग बना रखी है योगशाला। सारा का सारा जितना भी भवन है पतंजलि योगपीठ बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट है। और चलिए आपको लिए चलते हैं योगशाला के अंदर। योगशाला के बिल्कुल जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये है हवन, जो हम करते हैं उसकी जगह है ये। आप देख सकते हो गाय के गोबर से इसको लिपा गया है और काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे हवन किया जाता है तो यहाँ पे बैठ के हवन करते हैं। स्टेज वगैरह लगा रखी है। अगर बड़ी संख्या में लार्ज स्केल पर अगर हवन करना हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। योगशाला के बिल्कुल बैक साइड में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं आयुर्वेद सिस्टम से जो भी स्टडी करवा जाती है उसको पढ़ते हैं। और जो पतंजलि योगपीठ है बिल्कुल इसके एक साइड में ये पूरी मार्केट बना रखी है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और जो पेशेंट आते हैं बाहर से उनके लिए ये पूरी मार्केट है। यहाँ पे जो पतंजलि के जितने प्रोडक्ट हैं उनकी डिस्प्ले है, या फिर बैंक वगैरह एटीएम वगैरह है उनकी यहाँ पे सुविधा है। और इस पतंजलि योगपीठ के अंदर काफ़ी सुंदर सुंदर बगीचे हैं। और ये आप देख सकते हो काफ़ी एक सुंदर अलग से एक जगह बनाई हुई है। मतलब यहाँ पर एक ऐसी जगह है, ये हॉस्पिटल आपको फील ही नहीं होगा। जैसे हम नॉर्मल एलोपैथ के हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा गंदगी होती है, लेकिन यहाँ पे ये इनके जो हॉस्पिटल हैं आपको ये फील ही नहीं होगा कि हॉस्पिटल नाम की ये चीज़ है। आपको जितने पेशेंट हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आने के बाद ठीक हो जाते हैं। आधे तो वैसे ठीक हो जाते हैं यहाँ का इन्वायरमेंट देख के। आप मेरे पीछे देख सकते हो, कभी भी आपने हॉस्पिटल के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। और ये है पतंजलि योगपीठ फेज़ टू। जो फेज़ वन है उसके बिल्कुल सामने ही है फेज़ टू। जो ये फेज़ टू है इसके अंदर योग का ऑडिटोरियम बनाया है काफ़ी बड़े लेवल पे। ऊपर योग का ऑडिटोरियम है, बड़े लेवल पे जब योग किया जाता है तो यहाँ पे किया जाता है। तो ये था पतंजलि का योगपीठ।
वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।